हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट 25 की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, और एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है इंडिया का, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में हमारे देश के एनएलयूज के बारे में जानेंगे, उनमें कितनी सीट्स होती है ये भी जानेंगे, और इस एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है और कौन ये एग्जाम अपियर कर सकता है, ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। अब गाइस, एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आप या तो 12th स्टैंडर्ड पास आउट होने चाहिए, या फिर आप एक 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग स्टूडेंट जो है वो होने चाहिए। अब ये अपियर जो है आप करने वाले हैं 2025 में अपना 12th स्टैंडर्ड, तो फिर आप क्लैट 25 के लिए एलिजिबल है। एग्जाम जो है गाइस, एग्जाम होने वाली है दिसंबर के महीने में, बट एग्जाम डेट जो है स्पेसिफिकली स्पीकिंग तो ये होने वाला है दिसंबर 2024 में। जी हाँ गाइस, आपका क्लैट 25 एग्जामिनेशन जो है ये दिसंबर 2024 में होने वाला है। अब होता क्या है गाइस, पहले क्लैट कंसोर्टियम जो है अपनी एग्जामिनेशन जो है वो जून मंथ में कंडक्ट करता था, मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कुछ टाइमलाइन ऐसे दिखा करती थी। ये जून है, फेब महीनों में यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होती है। तो क्लैट कंसोर्टियम क्या करता था, फेब में एग्जाम स्टार्ट होती थी, मार्च में एग्जाम खत्म हो जाती थी, और क्लैट एग्जामिनेशन जो है जून मंथ में हुआ करती थी, मतलब कि बोर्ड्स के बाद। तो स्टूडेंट्स को काफी कम समय मिलता था प्रेपरेशन के लिए, साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बाद में पता चलता था कि जून में ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, बट उनके पास प्रेपरेशन करने का समय जो है बहुत कम बचता था। तो इसीलिए हर साल जो है हमें एप्लीकेंट्स जो है एवरेज देखने को मिलते थे, प्लस यहाँ पे बिकॉज क्लैट एक बहुत टफ एग्जाम है तो स्टूडेंट्स जो है बहुत लंबे समय की फिर प्रेपरेशन में जुड़ जाते थे। काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो सोचते थे कि हमारा 1 ईयर जो है अब यहाँ पे होल्ड पे चला जाएगा बिकॉज हमने प्रेपरेशंस पहले से स्टार्ट नहीं करी। तो कंसोर्टियम ने क्या डिसीजन लिया कि यहाँ पे फेब महीने से पहले, दैट इज दिसंबर में ही क्लैट एग्जामिनेशन जो है हम कंडक्ट कर देंगे, मतलब कि बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लैट एग्जाम जो है कंडक्ट कर लेंगे। तो बच्चे दिसंबर में क्लैट लिख लेंगे, फेब में और मार्च में पूरा अपना बोर्ड्स दे सकते हैं, और फिर जाके वो अपना एडमिशन जो है एनएलयू में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए 12th पास आउट हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप अपियर करने वाले हो फेब 25 ईयर में अपना 12th का एग्जामिनेशन, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। बट गाइस, कंडीशन दी गई है, मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट बताया गया है, बोला गया है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 12th एंड 10, 10+2 दोनों में आपको मिलाकर आपका एवरेज जो है 45% होना चाहिए, एंड अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 10+2 में 40% होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई है। अब एग्जामिनेशन की गाइस अगर हम बात करें तो इसमें ना कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो नहीं है, ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दी गई है, तो ये अच्छी बात है। मतलब टेक एन एग्जाम्पल के इस वक्त अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या आप इस वक्त जॉब कर रहे हो बट आपका ड्रीम है कि अगर आपको एनएलयू में से अपना लॉ डिग्री परस्यू करना है, तो फिर भी आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। अब ये एनएलयूज होते क्या है, एनएलयूज का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है हमारे देश में एस्टेब्लिश करी गई है ताकि लॉ कोर्सेज जो है यहाँ पे पढ़ाए जा सके। सिंपल टर्म्स में जैसे आईआईटीज होती है इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू करने के लिए, आईआईएम्स होते हैं एमबीए दैट इज मैनेजमेंट कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, वैसे ही देश की सबसे टॉप लॉ कॉलेजेस जो है वो होती है एनएलयूज। तो अगर आपको एनएलयू में से अपना लॉ डिग्री परस्यू करना है तो आपको क्लैट एग्जामिनेशन के लिए अपियर करना पड़ता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि क्लैट एग्जामिनेशन आप अपियर करने के बाद आप जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम आप कर सकते हो। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब जो है ये होता है कि इन 5 ईयर्स के पीरियड में जो आप कोर्स परस्यू करोगे इसमें आपको 2 डिग्रीज जो है वो मिलेगी, जैसे कि बीए हो सकता है,
बीबीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, प्लस आपको एलएलबी मिली। तो ये जब आप एडमिशन लोगे तब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको बीए एलएलबी चाहिए, बीबीए चाहिए, बीकॉम चाहिए। एंड एलएलबी तो ऑफ कोर्स होगा ही, बिकॉज हम क्या परस्यू करने वाले हैं, लॉ जो कोर्स है वो परस्यू करने वाले हैं। तो ये 5 ईयर्स के पीरियड में आपको 2 डिग्री जो है वो मिल जाती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जो है वो बोलते हैं। अब गाइस पेपर अगर मैं बात करूं तो पेपर ये ऑफलाइन बेस्ड पेपर होता है, जहां पे आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और आपको करेक्ट आंसर्स को ना सर्कल करना है। मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो है वो आपकी एग्जाम का नहीं होगा। अब एग्जाम में पेपर पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिले। पहले क्या होता था, पहले क्लैट एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चंस जो है, 120 जो मिनट्स है यहाँ पे आपको देती थी 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब पेपर बहुत लेंदी हुआ करता था, प्लस बिकॉज इसमें आरसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट होता था पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो कंसोर्टियम ने क्या किया, क्लैट एग्जामिनेशन 2024 से ना एक नया पेपर पैटर्न लेके आया, बोला हम आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स जो है ये देंगे। ये हो गया आपका न्यू पेपर पैटर्न। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने ना बोला कि हम अब से क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम कंडक्ट करें। अब पहले कैसा होता था कि पेपर जो है 50 पेजेस का पेपर आया करता था, अब एक ऐसा स्टूडेंट जो अपना 11th स्टैंडर्ड का कोर्स जो है कंप्लीट किया है, 12th अभी तक कंप्लीट हुआ भी नहीं है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पेजेस का क्वेश्चन पेपर वो 120 मिनट में सॉल्व करे और अच्छा रैंक लेके आए, बिकॉज इतना कंपटीशन है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि 120 क्वेश्चन के लिए हम 120 मिनट्स जो है वो देंगे, प्लस हम डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा कम करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आसान हो जाए। तो क्लैट 24 एग्जामिनेशन कैसी हुई थी, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका प्रॉपर डिटेल्ड पेपर का एनालिसिस का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसको जाके जरूर देखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करना कि एग्जाम कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल है और कैसे जो है ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब गाइस एग्जाम जो है आपकी ओएमआर बेस्ड होगी, जैसे मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसके लिए समय आपको मिलेगा 120 मिनट्स का। अब पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि दूसरे लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाए एग्जाम, मैटर चल रहा है कोर्ट में बट अब तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि पेपर आपका इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू का मतलब होता है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको उसके लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक आंसर जो सही है वो सिलेक्ट करना है। सही आंसर सिलेक्ट करने पे आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा एंड अगर सपोजिंगली आप गलत मार्क करते हो उसे तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत आंसर जाने पे आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। मतलब कि हर 4 आंसर जो है रॉन्ग जाने पे आपका 1 मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर्स को मार्क करना है, बिकॉज ये आप यहाँ पे गलत आंसर्स अगर आपने ऐसे ही तुक्के में आंसर्स मार्क कर लिए तो आप अपने जो स्कोर है यहाँ पे आप क्या कर लोगे, कम कर लो। अब एग्जाम जो है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू जो है वो कंडक्ट करता आ रहा है और उसी ने ये पेपर पैटर्न जो है डिसाइड किया और ये फाइनलाइज हुआ कि क्लैट एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होगी। अब गाइस क्लैट 23 की जो एग्जाम है वो अगर हम देखें तो उस ईयर में हमें देखने को मिला था 2022 में कि जून में भी पेपर हुआ था और दिसंबर में भी हुआ था, बट कंसोर्टियम ने क्लियरली बोल दिया है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्लैट एग्जामिनेशन साल में एक ही बार होगी, वो भी दिसंबर के महीने में ही होगी। अब क्लैट जो है गाइस यहाँ पे एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपको प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी होती है और ये प्रेपरेशन करने के लिए आपका एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपको आरसी बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको टोटल 5 अलग-अलग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड जीके एंड करंट अफेयर्स, थर्ड लीगल रीजनिंग,
फोर्थ लॉजिकल रीजनिंग एंड फिफ्थ आपका हो जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब गाइस इसका वेटेज क्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो इंग्लिश रफली 20% ऑफ द पेपर आता है, जीके करंट अफेयर्स 25% ऑफ द पेपर आता है, लीगल रीजनिंग 25%, लॉजिकल रीजनिंग 20% एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है दैट इज आपका मैथ्स जो है 10% ऑफ द पेपर जो है आपको पूछा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वेटेजेस को दिमाग में रख के चले एंड ये याद रखे कि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर हम देखें ट्रेंड के हिसाब से गाइस, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स की प्रेपरेशन जो है बड़ा लाइटली लेते हैं, और काफी बच्चे जो है जीके करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर गाइस, जीके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जो है अपनी प्रेपरेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव होगा, आप अपना करंट अफेयर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि देश और दुनिया में क्या चीजें चल रही है, आपको समझ में आएगा क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, एंड उसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, बिकॉज आरसी बेस्ड पेपर है। अब आरसी का मतलब है गाइस, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, ये एक पैसेज होगा, पैसेज अप्रोक्सीमेट 450 वर्ड्स का होगा, और फिर उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस होंगे, आपको ऑन एन एवरेज एक आरसी के ऊपर 5 या 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो है हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ पे इसमें से ही जो है हो, या फिर उन टॉपिक से क्या हो रिलेटेड हो, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, आपको क्या करना है पहले आरसी पढ़ना है एंड समझना है कि क्वेश्चन आरसी जो है किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, और फिर जाके आपको क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। अब इसके लिए गाइस इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको आरसी रीड करना है, उसे समझना है कि टॉपिक क्या है, और फिर उसके बाद जाके आप क्या कर पाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए इस पूरे पेपर की जो सबसे खास बात होती है वो है आपकी स्पीड। आपकी स्पीड मैटर बहुत ज्यादा करेगी कि आप कितनी तेजी से क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो, और फिर प्रॉपर रीजनिंग के साथ उनका आंसर जो है वो दे सकते हो। अब एक एक करके गाइस सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, बट अगर आप दुनिया में अगर बहुत अच्छा लॉ कोर्स परस्यू करना चाहते हो, इंडिया में से अगर आप लॉ कोर्स परस्यू करना चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी प्रेपरेशन सही हो, और इसीलिए बी एडू केयर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको आपकी प्रेपरेशन जो है वो करनी है। CLAT 24 में 10 कॉल्स जो है वो आए हैं यहाँ पे बी एडू केयर के स्टूडेंट्स को। अब ये स्टूडेंट्स हाई चांसेस दुनिया हमारे इंडिया के NLUs में अपना एडमिशन लेंगे और अपनी ड्रीम कॉलेजेस की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। अब गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एज वी जस्ट सॉ 20% ऑफ द पेपर ये होता है, यहाँ पे आपको 450 वर्ड्स का एक आरसी दिया जाएगा। अब ये आरसी होगा कहाँ से, ये आरसी कंटेम्प्रेरी या तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग में से हो सकता है, मतलब ये न्यूज़पेपर में हो सकता है, स्टोरीज में से हो सकता है, मैगजीन्स में से हो सकता है, एटसेट्रा। फिर पैसेज में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि पर्टिकुलर पैसेज जो आपको दिया गया है वो क्या कहना चाहता है, उसमें कौन से लैंग्वेज स्किल्स की बात करी गई है, एंड ये पैसेज आपको कुछ टॉपिक्स पे टेस्ट किए करेगा, मतलब आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट पूरा आरसी जो है समझने के बाद आपको पढ़ना है कि मेन पॉइंट क्या है, क्या टॉपिक चल रहा है उस दिए गए आरसी में, और फिर उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स जो है जो उस पर्टिकुलर आरसी में दिए गए हैं, तो ऑथर के क्या व्यू पॉइंट्स है, उसने क्या पॉइंटर्स पे आर्ग्यूमेंट किया है, ये आपको समझ के उसको क्या करना होगा आंसर करना होगा। इन्फ्लुएंसेस एंड कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करने होंगे, मतलब ऑथर फाइनली कहना क्या चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीज चेंज होने पे यहाँ पे उनका ओपिनियन जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है।
और पैसेज को आपको समराइज करना है। समराइज का मतलब इन शॉर्ट पैसेज कहना क्या चाहता है, कौन से मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है और उसी के ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स है और ऑथर के क्या व्यू पॉइंट सेटअप थे, ये आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। एंड हो सकता है कि आपको कंपैरिजन भी करने को आए डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स का, जहां पे ये कंपैरिजन करने के बाद आपको कंक्लूजन पे रीच करना हो। सबके लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा कि जो अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए रहेंगे आपको उसका मतलब समझ में आए और साथ ही साथ आपको वोकैबुलरी भी समझ में आना चाहिए। एंड उसमें काफी सारे फ्रेजेस भी हो सकते हैं जिसको आपको डिकोड करना होगा एंड समझना होगा कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट गाइस आता है जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब गाइस जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई डिफाइंड पोर्शन नहीं, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए आपको एक ही चीज जो है वो करनी है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। कौन सा न्यूज़पेपर? दो न्यूज़पेपर्स आइडियली जो है सबसे बेस्ट है, एक है द हिंदू और दूसरा जो है वो है इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर को आप रेफर कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स आपको रेफर करनी है जहाँ पे आपको जो लीगल करंट अफेयर्स है उनके बारे में आइडिया है, जैसे कि लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, द वायर हो गया एट्सेट्रा। आपको क्या करनी है, रेफर करनी है ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उन पे क्या ओपिनियन है। वो जर्नलिस्टिक सोर्सेस के ऊपर से ही आपको आरसी पूछेंगे, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जर्नलिज्म के सोर्सेस को रेफर करना हमारे लिए क्या होगा, जरूरी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको पैसेजेस जो है ये हो सकते हैं कुछ ऐसे इश्यूज पे जो हिस्टोरिकल इश्यू भी हो, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि CLAT 24 का जो पेपर था इसमें जलियान वाला बाग मसकेयर के बारे में पूछा गया था, जो कम्प्लीटली क्या था, एक हिस्टोरिकल इवेंट था। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर का पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब स्टैटिक पार्ट में आपको आइडियली हिस्ट्री के बारे में आइडिया होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में आपको बेसिक जो है पता होना चाहिए एंड हमारे देश की जो इकोनॉमी है ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट करेंगे कि आप कितने ज्यादा अवेयर हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से हमें देखने को मिला है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। दैट इज वाई न्यूज़पेपर रीडिंग हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लीगल रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। अब लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है गाइस, आपको जो आरसी दिए जाते हैं ये बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लीगल जो आपका करंट अफेयर्स होता है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट है या कोई लैंडमार्क चीज डिस्कस करी गई है या पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन चल रहा है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको आरसी में दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे जिसमें लीगल मैटर्स होंगे और फिर उनको समझने के बाद आपको कंक्लूजन पे क्या करना है, रीच करना है। तो ये पैसेज में यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस होंगे जो आपको टेस्ट करेंगे कि आपको कितना अवेयरनेस है लीगल इश्यूज के बारे में, मॉरल इश्यूज के बारे में, और फिर उनके ऊपर आपको जो है जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं और फिर जाके आप करेक्ट कंक्लूजन पे रीच कर पाओगे। तो क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे होंगे जहाँ पे आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स जो पैसेज में दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है एंड वही रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको फिर नीचे दिए गए सिचुएशंस पे क्या करना है, अप्लाई करना है। एंड अगर उन रूल्स और प्रिंसिपल्स में कोई चेंज होता है, मतलब कोई तो एक पार्ट अगर चेंज हो गया, तो आपका आंसर चेंज होता है कि नहीं, ये चीज का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके लिए हो जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, हमारे देश का संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फैमिली लॉ के बारे में जानना। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉर्ट्स क्या होते हैं, क्राइम दैट इज क्रिमिनल लॉ के बारे में भी आपको जो है एक थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस एग्जाम में कंसोर्टियम क्लियरली बोलता है कि प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, बट एन एडिशनल नॉलेज हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है गाइस हो जाएंगे।
उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। अगेन इसमें भी आपको 450 वर्ड्स का पैसेज दिया जाएगा। पैसेज में आपको जो आर्ग्यूमेंट वहां पे चल रहा है उसे रिकॉग्नाइज करना है एंड फिर जाके कंक्लूजन जो है आपको रीच करना है। साथ ही साथ आपको ये एनालाइज करना है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है और कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। एंड एक और टॉपिक जो इसमें आपको जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से आपके फैक्ट्स जो है क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग में क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिचुएशंस आने पे कैसे आंसर्स आपके चेंज हो सकते हैं, कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस जो है आपको दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपके आर्ग्यूमेंट्स का रीजनिंग जो है कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्रेपरेशन कर रहे हो इसमें आपको प्रैक्टिस जो है गाइस बहुत ज्यादा लगी, बिकॉज ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकती। तो याद रखिए कि जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा जो है गाइस आपका क्या होगा, स्कोर होगा। एंड जो लास्ट सेक्शन आपका आता है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन, जहां पे आपको बेसिक 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है आपको पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा घबरा जाए मैथ्स को लेकर, उन्हें मैथ्स नहीं पसंद हो या उन्हें टफ लगता हो, बट रिमेम्बर गाइस आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करने हैं और बेसिक क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। डीआई के बेस में पूछे जाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में आपको होगा, जहाँ पे जो टॉपिक्स जो है वो मेनली रिवॉल्व करेंगे अराउंड द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मींस ड्यूरेशंस एंड स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। एक चीज जो गाइस आपको याद रखनी है कि क्लैट एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे आपकी स्किल्स और एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आपको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो और कैसे आपकी स्पीड जो है ये इम्प्रूव हो रही है। अब ये गाइस लिस्ट है हमारे देश के टॉप एनएलयूज की और वहां पे कौन सी सीट्स अवेलेबल है और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। आप गाइस इसका एक लिस्ट जो है हमारे ऐप में भी है, डिटेल्ड लिस्ट आप जो है विद फी स्ट्रक्चर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूं, वहां पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द एनएलयूज, हमारे देश में टोटल 24 एनएलयूज है। अब उसमें से जो टॉप एनएलयूज है वो आपकी हो जाती है एनएलयू बैंगलोर, वन ऑफ द टॉप एंड द बेस्ट कॉलेजेस, ये फर्स्ट पे आता है। नेक्स्ट है एनएलयू हैदराबाद, फिर आता है एनएलयू भोपाल, फिर कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, ये आपके टॉप कॉलेजेस जो है आइडियली हो जाएंगे। अब इन टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए आउट ऑफ 120 आपका आइडियली जो स्कोर है, टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए कि आप 100+ जो है वो लेके आ रहे हो। ये क्यों गाइस? बिकॉज कंपटीशन राइज हो रहा है। अगर मैं 2024 के क्लैट एग्जामिनेशन की बात करूं जो 2023 ईयर में हुआ था, तो 1 लाख+ एस्पिरेंट्स ने इस एग्जाम को दिया है, मतलब कि कंपटीशन राइज होते जा रहा है बट सीट्स उतनी ही है, एंड दैट इज व्हाई कट ऑफ भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इसीलिए आपका टारगेट स्कोर जो है कितना होना चाहिए गाइस, 100+ जो है वो होना चाहिए। बी एडू केयर इसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। बी एडू केयर से हर साल बच्चे जो है MSCET लॉ एंट्रेंस एग्जाम और अपनी ड्रीम लॉ कॉलेजेस में जाते हैं। एंड वी जस्ट सॉ के एनएलयू में अगर जाना है तो इट इज नॉट वेरी टफ, बिकॉज एग्जामिनर्स जानते हैं कि ये ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी 11th स्टैंडर्ड पास किए हैं, 12th स्टैंडर्ड में है, या अभी अभी डिसाइड किए हैं कि उनको लॉ कोर्स जो है वो परस्यू करना है। सो फ्रॉम एन बिगिनर टू एनएलयू आप कैसे जा सकते हो, इसके लिए आपके पास राइट कंटेंट, राइट सोर्स, राइट प्रैक्टिस एंड राइट गाइडेंस होना चाहिए, और आप इस एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गाइस क्रैक कर सकते हो और आप अपने ड्रीम एनएलयू में पहुंच सकते हो ठीक इन्हीं बच्चों के जैसे, क्योंकि इनको राइट गाइडेंस मिला एंड आज इनके पास एनएलयू से कॉल्स आ चुके। सो इसके लिए बी एडू केयर जो है यहाँ पे आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड कर देगा क्लैट एग्जामिनेशन का। आप हमारी सेंटर्स
जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है, आप हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हो। प्लस हम ऑनलाइन लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एग्जाम रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर 8383818888 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो एंड इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके ब्रांच विजिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हो। बीएड केयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस डोंट वेट मच, स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन नाउ एंड ज्वाइन विद बीएड केयर ताकि आप अपनी ड्रीम एनएलयू में पहुंच पाओ।